नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इन दिनों बेहद चर्चा में है। रिलीज के बाद से ही ऑडियंस को इस फिल्म से काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। लोगों को रानी यानी आलिया का किरदार काफी पसंद आ रहा है। फिल्म के लगभग हर सीन में आलिया की साड़ियों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अब हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान डायरेक्टर करण जौहर ने बताया कि आलिया ने पूरी फिल्म में साड़ियां ही क्यों पहनी हैं। करण से हाल ही में सवाल किया गया कि फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रानी यानी आलिया को एक मॉडर्न महिला के तौर पर दिखाया गया है, इसके बावजूद वो लगभग पूरी फिल्म में साड़ी क्यों पहनती है। इस पर करण ने कहा कि मॉडर्न होने का कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। एक बातचीत के दौरान करण ने बताया कि साड़ी हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा, हम आधुनिकता को वेस्टर्न कपड़ों से क्यों जोड़ते हैं। मैं ऐसी कई महिलाओं से मिला हूं जो बहुत ही खूबसूरती से साड़ी पहनती है और वो उतनी ही प्रोग्रेसिव भी है। वो बुद्धिमान और पढ़ी लिखी है। वो देश विदेश में ट्रेवल करती है, अच्छी तरह से बोलती है। इन सब के साथ वो साड़ी भी पहनती है। बात सिर्फ इतनी है कि हम आधुनिकता और तरक्की को कपड़ों से जोड़ते हैं। फिल्म में रानी के किरदार को एक ऐसे शख्स के रूप में दिखाया गया है जिसने अपनी एजुकेशन अमेरिका से पूरी की है, इसके बावजूद वो अपनी दादी और माँ के बीच पली बड़ी है, जिसका असर उस पर गहरा पड़ा है। आलिया और रानी के बीच की समानताओं के बारे में बात करते हुए करण ने कहा, आलिया एक महिला के तौर पर काफ़ी हद तक रानी जैसी है। उन्होंने रानी के किरदार को पहचान लिया और इसलिए वह इसे बड़े ही उत्साह और सच्चाई के साथ पर्दे पर निभा सकी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।